रूप प्रिय संभव लोग सखम विश्वास से खड़े रहो, तुम सब गवाही दो। मैंने कहा तुम सब गवाही दो। तो प्रेरित जी, जो सिस्टर बता रहे हैं कि 3-4 दिन हो गए थे इनके राइट साइड की जो टांग है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होती थी, जो सही तरह से चल नहीं सकते थे, और प्लस ये बता रहे कि इनकी आंखों में भी काफी दर्द रहती थी और इनको धुंधला दिखाई देता था। जो बता रहे जैसे हीलिंग प्रेयर हो रही थी और ली हैंड भी हो रही थी, उस समय दुष्ट आत्मा इन पर प्रकट हो गया। जो बता रहे जैसे ही परमेश्वर की ग्रेस इनको छुआ और उसे समय जब जो फ्री हुए तो जो बता रहे भी इनकी बॉडी में बिल्कुल हल्का पाने और प्लस जो राइट साइड की टांग में दर्द थी उससे भी परमेश्वर इनको फ्री कर दिया है। अभी जो चलकर वहां से जहां आए इनसे चला भी नहीं जाता था। कैसे पहले कैसे चलते, थोड़ा देर बताओ पहले क्या कैसे चला, क्यों नहीं कैसे चल रहे थे, फिर पहले कैसे कैसे था और अब बताओ। जैमसी पापा जी, जैमसी कार पापा जी बड़ी मुश्किल ही बैठन च भी उठन च भी फिरन दे विच भी चलन च भी। अब चलकर दिखाओ फिर, इस तरफ को चलो, इस तरफ आगे को नहीं, आगे ऐसे चलो, यहाँ पे ऐसे एक तरफ उधर जाओ, एक तरफ दौड़कर जाओ। यीशु दी हजूरी विच हुंदी बरसात शिफावा, हालेलुया। यीशु दी हजूरी विच हुंदी बरसात शिफावा। ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये घर से आए थे, ये इस विश्वास में आए थे, इस प्रेयर में आए थे कि आज परमेश्वर के दास का हाथ मेरे सिर पर आएगा, और ये बहुत खुश है कि आज मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और बताओ मुझे, बताओ अब बताओ मुझे, परमेश्वर है कि नहीं है? अगर वो हमारे साथ ना हो तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर बार बार मुझे कह रहे मैं इस तरफ जा रहा हूँ प्रार्थना करने, फिर बार कर रहे चल चल जाकर ले हैंड कर। अरे जो तुम मांगो और खुदावंद देना स्वर्ग से। मैंने कहा तुम मांगो और स्वर्ग से ना दे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर बार बार कह प्रार्थना चल जाकर ले हैंड कर, तारीफ करो उसके नाम की महिमा के लिए। ये जे विश्वास ये सब कुछ हो, खड़े होकर करो इस तारीफ करो इस बात के लिए। करिए जे विश्वास ये सब कुछ हो सकदा। तो प्रेरित जी, जे सिस्टर बता रहे कि इनके सिर में बहुत ज्यादा सुबह से दर्द थी और इनके हस्बैंड काफी समय से ड्रिंक का नशा करते थे, उससे भी जे परेशान थे। और जो बता रही घर से प्रेयर कर कर आए थे कि परमेश्वर आज आपके दास का हाथ मेरे सिर पर आए, जो बता रहे जैसे आज परमेश्वर के दास का हाथ सिर पर आया उस समय सिर से दर्द से भी इन्होंने फॉर्म तो नहीं फिल किया नो, पर ये घर से प्रार्थना करके आए थे कि आज मेरे ऊपर हाथ आए। मैं भी बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आज मैं जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो बार बार एक ही चीज आ रही है, जाकर ले हैंड कर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कहते मैं तुझे बोल रहा हूँ कि जाकर ले हैंड कर। ओ जबकि मन की बातों को जानता है जिसके आगे आप प्रार्थना करते हो, तारीफ करो उस खुदावंद की। प्रेरित जी, जब जी बता रहे कि 8 दिन हो गए थे इनके बैक पेन में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, जब बता रहे जी सही तरह से झुक भी नहीं सकते थे, और जब बता रहे कि जैसे परमेश्वर का दास का हाथ मेरे सिर पर आया उसे समय परमेश्वर की ग्रेस ने को शुभा भी बिल्कुल दर्द से फ्री। क्या नहीं कर सकते थे, सही तरह से नीचे झुक नहीं सकते थे, बैक पेन में दर्द थी, बैक पेन में दर्द थी जी, अब पीछे दर्द थी बैक में, अब झुक कर दिखाओ। हालेलुया, तारीफ करो जोर से जोर से। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। प्रेरित जी, ये सिस्टर बता रहे कि 5 दिन हो गए इनकी लेफ्ट साइड की अंडर आर्म्स में काफी ज्यादा दर्द थी, और इनके साथ में इनकी राइट साइड की टांग में काफी ज्यादा दर्द थी। जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा ये हीलिंग्स वर्ड आया उसी समय प्रभु की ग्रेस ने इनको छुआ, अब इस प्रॉब्लम से ये बिल्कुल ही फ्री है। कितने दिन से थी? 5 दिन से। 5 दिन से आपके अंडर आर्म्स, हाँ अंडर आर्म्स के नीचे थी, नीचे थी और एक बाजू में थी। जैसे ही आज खुदा का हाथ आपके ऊपर आया, हाँ आप बिल्कुल फ्री हो, उठाओ अपना बाजू जो भी है और तारीफ करो जोर से जोर से जोर से।
प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे हैं कि सुबह जब जो संगति में आए थे तो सुबह से इनके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि मेरी ओर देखकर आप वचन को ध्यान से सुने, तो जो बता रहे कि जो परमेश्वर के दास की ओर भी जो ध्यान सीधा नहीं देख सकते थे, गर्दन को नीचे ही रखते थे, इतनी दर्द थी। जब जैसे जो बता रहे ले हैंड हुई उसे समय परमेश्वर की ग्रेस ने इनको शुभ गमाओ, गमाओ गर्दन को गमाओ, ऊपर नीचे करो, अभी कमरो करो, जोर से करो, साइड पे भी हाँ, पीछे करो, पूरा आगे को करो और तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा। हाँ तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे हैं कि 3 दिन हो गए थे इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, और जो बता रहे जैसे इन्होंने मन बनाया था संगति में आने के लिए, तो जो बता रहे वो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई। पर इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर जैसे मैं संगति में जाऊंगी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बता रहे सुबह से संगति में बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनको। और सेकंड जो बता रहे कि इन्होंने सुबह से फॉर्म फिल कराया था कि इनके पेट में हर्नियों की गांठ थी, और अभी इनके लिए ले हैंड तो नहीं, पर जब बता रही उससे पहले परमेश्वर ने अपने दास के मुख से परफेक्टिक वर्ड बोला कि किसी के पेट में गांठ की प्रॉब्लम है, तो उसे समय इन्होंने रिसीव किया। सुनो एक चीज सुनो, जब परमेश्वर जब आपके मन की बात होती है वो दूर से जानता है। आपने आपको कितना जरूर होगा यहाँ पे आते हुए, 6-7 महीने। आपने कभी इस चीज का अपने फॉर्म फिल नहीं करवाया, आज ही आपने इस चीज की अपनी गांठ की, दिखाओ आज, थोड़ी कैमरे में। आज पापा जी मैंने प्रार्थना की कि आज मेरे लिए ये वर्ल्ड आ चुका। अपनी गांठ दिखाओ पहले कैमरे में, अपनी गांठ दिखाओ अच्छे से, पूरा ऐसे करके दिखाओ, थोड़ा कपड़ा कसो ताकि आपको नजर आएगी लोगों को पूरी तरह से। ये देखो पूरी तरह से क्लोज करो, ये पूरा ऐसे, ये पूरी बाहर को इनके पेट के गांठ निकली है 5 साल से। और 7 महीने हो गए इन्हें यहाँ पे आते हुए, कभी इन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया, और ना ही कभी मेरे मुंह से ऐसे प्रार्थना, मेरे मुंह से कभी वर्ड आया कि आज आपकी पेट की गांठ गायब होने जा रही है। ओ, तारीफ कर दो जोर से उसको दबन की। यीशु यीशु तेरे नाम दी बल्ले बल्ले है, यीशु यीशु तेरे नाम दी बल्ले। तो प्रेरित जी जे बहन बता रहे हैं कि इनके बाजू में और इनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द थी। जे बता रहे जे काफी परेशान थे, बोझ में थे। जे बता रहे जैसे परमेश्वर का दास का हाथ इनके सिर पर आया उसी समय परमेश्वर की ग्रेस ने को शुभा भी बिल्कुल। कौन से बाजू में दर्द थी? राइट साइड। और क्या थी? सिर में दर्द। और दोनों चीजों से खुदा ने जैसे ले हैंड हुई अभी फ्री। देखो परमेश्वर जानता है ना आपको कैसे चंगा करना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बार बार परमेश्वर मेरे मन में डाला ले हैंड कर दे, सब पर कर दे। तारीफ करो जोर से। अनोखे काम करदा है, करदा है यहोवा। ये बहन बता रहे कि सुबह से इनके सर में दर्द थी और 8 दिन हो गए इनकी वक्खी, राइट साइड की वक्खी में काफी ज्यादा दर्द थी। जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा ये हीलिंग्स वर्ड आया उसी समय प्रभु की ग्रेस ने छुआ, अब इस प्रॉब्लम से ये बिल्कुल ही फ्री है। ओ, तारीफ करो जोर से जोर से। जी सिस्टर बता रही कि इनको रात के टाइम बहुत ही बुरे सपने आते थे, और जो बता रही कि इनकी बॉडी में भारीपन रहता था। जो बता रहे जैसे इनके लिए लिली हैंड प्रार्थना हुई उसी समय जो बता रही कि परमेश्वर की ग्रेस इनको शुआ अभी बिल्कुल इनकी बॉडी में हल्का पाने, इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सब तारीफ करेंगे। प्रेरित जी जी बहन बता रही कि 5 दिन हो गए थे इनको फीवर रहता था और जो मेडिसिन भी खा रहे थे, पर जो बता रही कि वो सही तरह से उतर नहीं रहा था, फिर से हो जाता था। और जब बता रहे आज जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए ले हैंड हुई उसी समय इनको बहुत ज्यादा पसीना आया, और जब बता रहे अभी बिल्कुल उस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं। पसीने के राही पूरा बुखार निकल गया बाहर। तारीफ कर दो भाई, तारीफ जोर से।